हेलो गाइस, वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल। गाइस आज जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं हम अपने चैनल पर, गाइस वो टॉपिक डील कर रहा है दैट डील्स विद द ऑपरेशन रिसर्च। गाइस ऑपरेशन रिसर्च का बहुत एक इंपॉर्टेंट और सिंपल सा टॉपिक हमने अपने इस चैनल पे शुरू किया था। दैट टॉपिक वाज क्विंग थ्योरी। सो स्टूडेंट, जब हमने क्विंग थ्योरी पे पहली वीडियो करी थी, उस वीडियो में हमने इस चैप्टर का, इस टॉपिक का जो थ्योरेटिकल पोर्शन था, थ्योरी पार्ट था, कवर किया था। गाइस आज की वीडियो जब हम शुरू करेंगे उसमें हम जितना भी न्यूमेरिकल पोर्शन है उसको आज स्टार्ट करेंगे। जैसे इसके फॉर्मूलाज है, नोटेशन है, इसको फॉर्मूलाज को कैसे ड्राइव करना बाय यूजिंग द नोटेशन। गाइस आज की वीडियो में वो सारा रहेगा। सो स्टूडेंट, अगर तक आपने हमारी क्विंग थ्योरी के रिलेटेड वो जो प्रीवियस वीडियो है वो नहीं देखी, तो गाइस उसका जो लिंक है ऊपर आई बटन पे आ रहा है। सो गाइस जल्दी से शुरू करते हैं आज का यह टॉपिक, दैट इज क्विंग थ्योरी। सो गाइस की आज करेंगे गाइस नोटेशन। सो गाइस नोटेशन है क्या? दैट आर द सिंबल्स। नोटेशन क्या है स्टूडेंट? सिंबल्स है जो हम यूज करेंगे वाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ क्विंग थ्योरी। सो गाइस जब क्विंग थ्योरी की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो सिंबल यूज होने वाले दो ही बेसिकली सिंबल्स हैं। फर्स्ट वन दैट इज अवर लैम्डा, तो लैम्डा के साथ साथ जो होगा तो गाइस म्यू होगा। तो गाइस अब देखेंगे लैम्डा क्या है, म्यू क्या है अंडर द क्विंग थ्योरी। तो गाइस बात करते हैं सबसे पहले जो हम क्विंग थ्योरी पढ़ेंगे, तो गाइस जो क्विंग थ्योरी पढ़ते हैं हमारी जो अप्रोच आने वाले, हमने बेसिकली दो चीजों को ही ऑब्जर्व करना है। दो चीजों कौन सी को ऑब्जर्व करना है? सबसे पहले जो हमारा फोकस रहेगा दैट इज ऑन द कस्टमर्स। हमने बात करी थी क्विंग थ्योरी, क्विंग थ्योरी में करेंगे क्या कि जो क्यूज लगती हैं, लाइंस लगती हैं, वो लाइंस में कितने कस्टमर्स आ रहे हैं और कितने कस्टमर्स को हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो गाइस उनमें हम बैलेंस मेंटेन करेंगे अंडर द क्विंग थ्योरी। तो हमारे जो दो मेन एलिमेंट्स है, सबसे पहला एलिमेंट है कस्टमर और जो दूसरा एलिमेंट है दैट इज सर्विस। कितने कस्टमर्स आ रहे हैं और कितने कस्टमर्स को हम सर्विस दे रहे हैं। तो गाइस इन्हीं को यूज करके हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो इसकी नोटेशंस है ये देखेंगे क्या नोटेशन, लैम्डा किसको रिप्रेजेंट करता है, म्यू किसको रिप्रेजेंट करता है। इन्हीं नोटेशंस की हेल्प से फॉर्मूलाज क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे और फॉर्मूलाज वो यूज करके हम क्या करोगे, क्विंग थ्योरी की प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। गाइस ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये जो टॉपिक है बहुत ही इजी, अगर ये वीडियो आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको ये टॉपिक हमेशा के लिए याद रहने वाला है। स्टूडेंट जल्दी से शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। सो कस्टमर की सबसे पहले बात करें, कस्टमर की बात करें, हम सबसे पहले कस्टमर को ओरिएंटेड रखें, ओरिएंट में रखें, मेन फोकस रखें। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे दैट इज एवरेज अराइवल रेट। एवरेज अराइवल रेट मतलब कोई क्यू लगी है, कोई लाइन लगी है तो उसमें कितने कस्टमर्स आ रहे हैं। तो गाइस हम बात करें कि अगर किसी भी क्यू में हमें दिखा होगा कि किसी भी क्यू में जो कस्टमर है वो 10 मिनट बाद आ रहा है, वो क्या है 10 मिनट बाद कस्टमर आ रहा है। एवरेज देखें 10 मिनट बाद कस्टमर आ रहा है। तो गाइस हम बात करें कि एक घंटे में कितने कस्टमर आएंगे। सो गाइस एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। तो गाइस जो एक कस्टमर जो आ रहा था तो कितने टाइम बाद आ रहा था, 10 मिनट बाद आ रहा था। मतलब 60 मिनट में कितने कस्टमर्स आ जाएंगे, 6 कस्टमर आ जाएंगे। तो गाइस ये 6 कस्टमर दैट इज अवर एवरेज अराइवल रेट। मतलब हमारे पास जो एक घंटा जो अगर गिवन टाइम कितना था 1 आवर, तो उसमें कितने कस्टमर्स हमारे पास आ रहे थे, 6 कस्टमर्स हमारे पास आ रहे। तो दैट इज नोन एज अवर लैम्डा। तो गाइस ये हमारा क्या है, ये हमारा स्टूडेंट क्या है, लैम्डा है। मतलब कितने कस्टमर्स एक गिवन टाइम में हमारे पास आ रहे हैं, दैट इज अवर लैम्डा। और क्या है गाइस, एवरेज अराइवल्स रेट। सो गाइस जितनी भी हमारी नोटेशंस बनेंगी, फॉर्मूलेज बनेंगे, उसको मैं एक साइड पे लिखता जाऊंगा। जब हम नेक्स्ट फॉर्मूलाज को प्रिपेयर करेंगे, ड्राइव करेंगे, तो ये सारी नोटेशंस या जो फॉर्मूलाज है यूज होने वाले। मतलब जो हमारा एवरेज अराइवल रेट है दैट उसकी को किसको डोनेट करता है, दैट इज डोनेटेड बाय द लैम्डा। मतलब एवरेज किसी गिवन टाइम में कितने कस्टमर्स हमारे पास आ रहे हैं। तो सिमिलरली गाइस अब बात करें एवरेज सर्विस रेट, तो गाइस ये फोकस करेगा सर्विसेज पे। पहले हमने कस्टमर ओरिएंटेड बात करी, अब करेंगे सर्विस ओरिएंटेड। सो सर्विसेज मतलब अगर मान लो एक कस्टमर है उसको हम सर्विस देने में कितने टाइम लगा रहे हैं, 5 मिनट्स एक सर्विस। मतलब कोई कस्टमर आता है हमारे पास बिलिंग पे करने के लिए, तो एक कस्टमर की बिल पे करने में गाइस 5 मिनट्स लग जाते हैं। तो मान लो एक घंटे में हम कितने कस्टमर को बिलिंग कर सकते हैं, दैट मीन्स एक घंटे में मिनट्स कितने थे, 60 थे। तो कितना टाइम लगता है एक कस्टमर को सर्व करने में, दैट इज 5 मिनट्स। तो गाइस हम बात करें यहाँ पे एक घंटे में हम कितने कर लेंगे गाइस, दैट इज 12 कस्टमर। मतलब एक घंटे में हम कितने कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, 12 कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो गाइस ये जो 12 कस्टमर्स आ रहे हैं दैट इज अवर म्यू। मतलब जो एवरेज सर्विस रेट आ रहा है, मतलब हम एक घंटे में कितने कस्टमर सर्व कर सकते हैं, दैट इज अवर म्यू, दैट इज अवर एवरेज सर्विस रेट। की हमने एक घंटे में कितने कस्टमर्स को सर्व करा, मतलब जो हमारा एवरेज सर्विस रेट है ASR है, दैट इज इक्वल टू दैट रिप्रेजेंटेड बाय द म्यू। तो गाइस अभी हमारी जो लैम्डा और म्यू थे वो तो क्लियर हो चुके हैं। तो गाइस इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास अभी
एवरेज कस्टमर्स कितने आ रहे हैं वो भी हमारे पास गिवन है, और उसके बाद बात करें कि कितने कस्टमर्स को हम सर्विस दे रहे हैं एवरेज जो गिवन टाइम है उसमें, तो वो भी हमारे पास गिवन है। तो ये दोनों चीजों को यूज करके गाइस हमारे पास एक जो मेन फॉर्मूला ड्राइव होगा बनेगा गाइस, वो फॉर्मूला है दैट इज यूटिलाइजेशन रेट। यूटिलाइजेशन रेट मतलब हम कितना जो हमारा सर्वर बैठा है जो हमें सर्विसेज दे रहा है उसको उसकी यूटिलाइजेशन किस टाइप से कर रहे हैं, कितनी यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। तो गाइस मतलब जो यूटिलाइजेशन रेट है इसका जो फॉर्मूला है हम दोनों को यूज करके दैट इज दैट मीन्स लैम्डा ओवर म्यू हम क्या करेंगे जो हमारा एवरेज अराइवल रेट होगा उसको डिवाइडेड करेंगे एवरेज सर्विस रेट के साथ। तो गाइज हमारा क्या बनेगा गाइज यूटिलाइजेशन रेट बनेगा। इसको गाइज हम स्मॉल पी से गाइज या कई जगह पे कैपिटल आर से भी डोनेट करते हैं। तो ये क्या है स्टूडेंट हमारा यूटिलाइजेशन रेट है। तो गाइज यूटिलाइजेशन रेट की बात करते हैं यहाँ पे जिसकी जो आउटकम था आउटकम मतलब गाइज हो सकता है कई बार लैम्डा बड़ा और म्यू छोटा हो। गाइज ये पहली जो आउटकम इसके से हम क्या ले रहे हैं कि लैम्डा बड़ा है म्यू छोटा है। मतलब गाइज हमारे पास इस कंडीशन में कैसा होगा जो कस्टमर्स मान लो आ रहे हैं वो ज्यादा आ रहे हैं बट सर्विसेज हम कम लोगों को दे पा रहे हैं। मतलब हमारे पास कस्टमर आ रहे थे 10 तो हमने सर्विस कितने लोगों को प्रोवाइड करी है ओनली 5 लोगों से। उससे क्या होगा गाइस जैसे 10 कस्टमर आए 5 को सर्विसेज एक घंटे में कस्टमर आए 10 सर्विस प्रोवाइड करी 5 लोगों को तो होगा क्या जो 5 लोग हैं वो क्या करेंगे उनकी तरफ नहीं आएगी वो वेट करते रहेंगे। तो गाइस जब नेक्स्ट जो आ रहा है उसमें फिर 10 कस्टमर आएंगे तो सर्विस कितनों को होगी 5 को होगी जो अगले जो 5 पहले वाले से बच गए 5 दूसरे वाले जो ऐसे ऐसे क्या करेगा कि जो लोगों की क्यू है लाइन है लंबी होती रहेगी क्योंकि जितने कस्टमर्स आ रहे थे उतनों को सर्विस मिल नहीं रही थी। इससे क्या होगा जो हमारा सर्वर बैठा होगा वो ओवरबर्डन होगा मतलब उसके सिर पे कितने लोग खड़े होंगे लाइन लंबी लंबी होती जाएंगी। तो ऐसी कंडीशन में ये आइडियल कंडीशन नहीं है ठीक है। तो जो सेकंड इसकी आउटकम है दैट इज मतलब लैम्डा इक्वल टू म्यू मतलब कस्टमर्स भी कितने आ रहे हैं 10 आ रहे हैं और जो हमारा जो सर्वर है जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो भी कितने कस्टमर को एक घंटे में सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो भी 10 कस्टमर्स को ही सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। मतलब लोग आते हैं अपना काम करवाते हैं और चले जाते हैं वहां पे क्यू लाइन लंबी बनती ही नहीं है ना ही कोई वेस्टेज होता है ना ही कुछ बर्डन आइज जो हमारा सर्वर बैठा है वो होता है। लोग आएंगे अपनी सर्विस लेंगे और चले जाएंगे। तो गाइस ये क्या है हमारी आइडियल सिचुएशन है। जो हमारा नेक्स्ट आउटकम था उसमें हम क्या करेंगे यहाँ पे क्या है अभी लैम्डा छोटा है म्यू बड़ा है। म्यू मतलब हमारे पास कस्टमर आ रहे हैं 5 हमारे पास कस्टमर क्या आ रहे हैं 5 आ रहे हैं तो हम एक घंटे में 5 कस्टमर्स हमारे पास आते थे और जब हम सर्विस दे रहे थे कस्टमर्स को एक घंटे में 10 लोगों को सर्विस दे रहे थे मतलब जो 5 लोगों का टाइम है वो बच रहा है हमारे पास कस्टमर 5 ही थे तो जो एक घंटे में हम काम कर सकते कितने लोगों का कर सकते हैं 10 लोगों का कर सकते हैं। मतलब जो हमारे पास जो हमारा सर्वर बैठा है यहाँ पे वो क्या रहेगा लाइन तो लगेगी नहीं लोग आएंगे काम करवाएंगे चले जाएंगे पर प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होगी जो सर्वर है उसके पास कितना टाइम आइडियल होगा आइडियल मतलब फ्री टाइम होगा वो फ्री बैठा रहेगा खाली बैठा रहेगा। उससे होगा क्या कि जो हमारी सर्विस कॉस्ट है सर्विस प्रोवाइड करने की कॉस्ट है वो स्टूडेंट हमें ज्यादा पड़ेगा क्योंकि हम जो सर्वर है उसको फ्री में बिठा के भी पैसे देने वाले हैं। तो गाइस ये जो कंडीशन है ये आउटकम्स हैं यूटिलाइजेशन रेट्स की। गाइस इसका जो फॉर्मूला हम ड्राइव कर रहे हैं यूटिलाइजेशन स्मॉल पी से हम डोनेट कर रहे हैं स्टूडेंट आकर तो इसका जो फॉर्मूला हम बोलते हैं स्टूडेंट इसका फॉर्मूला है दैट इज जो लैम्डा अपॉन म्यू लैम्डा अपॉन म्यू ये क्या है हमारा यूटिलाइजेशन रेट था। गाइस ये थे पहले 3 फॉर्मूले नहीं बोल सकते ये जो पहले 2 तो ये तो नोटेशन थी उसके बाद उससे जो हमारा फॉर्मूला ड्राइव हुआ ये नोटेशन को यूज करें दैट इज यूटिलाइजेशन रेट। सो गाइस अब हम क्या करते हैं जो नेक्स्ट फॉर्मूलाज है इन्हीं जो नोटेशंस को इन्हीं फॉर्मूलाज को यूज करके ड्राइव करते हैं। सो गाइस जल्दी से आइए आगे के फॉर्मूलाज देखते हैं। सो स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे जो प्रीवियस हमने नोटेशंस की थी या फॉर्मूलाज ड्राइव करे थे गाइस उसको यूज करके गाइस हम आगे वाले जो फॉर्मूलाज है क्वेरी थ्योरी के गाइस उसको क्या करेंगे ड्राइव करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम देखते हैं सबसे पहले हमारे पास आएगा स्टूडेंट आइडल रेट। स्टूडेंट आइडल रेट क्या है आइडल रेट मतलब फ्री टाइम जो टाइम में जो सर्वर था वो काम नहीं कर रहा था वो फ्री खाली बैठा था। तो गाइस उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे हमारे पास यूटिलाइजेशन रेट था तो गाइस यूटिलाइजेशन रेट मतलब जब वो काम कर रहा था तो गाइस मान लो टोटल उसके पास टाइम है 1 और वो यूटिलाइजेशन रेट में काम कर रहा है तो जब आइडल निकालेंगे स्टूडेंट हम क्या करेंगे 1 माइनस उसका यूटिलाइजेशन रेट था। यूटिलाइजेशन रेट क्या था गाइस हमारे पास ये हमने यूटिलाइजेशन रेट का फॉर्मूला रख रखा था यहाँ पे यूटिलाइजेशन रेट लिख लेते हैं। तो गाइस इसका जो फॉर्मूला रेट वाज That is lambda upon mu. तो guys 1 minus lambda upon mu करेंगे तो student ये क्या है हमारा आइडल रेट है ये guys student हमारा आइडल रेट है। तो guys हमें ये फॉर्मूला भी याद रखना पड़ेगा अगर आपको ऐसे याद नहीं रखते तो आप सिंपली याद रखो दैट इज 1 माइनस
यूटिलाइजेशन रेट हमारा आइडल टाइम आ जाएगा स्टूडेंट। उसके बाद जो नेक्स्ट फॉर्मूला हम ड्राइव करेंगे दैट इज एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर्स इन अ सिस्टम, मतलब एक सिस्टम में जितने भी कस्टमर्स आ रहे हैं सर्विस लेने को, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर्स कितने कस्टमर्स हैं। तो गाइस उसका जो फॉर्मूला कैलकुलेट करने का है दैट इज इसको गाइस डोनेट करेंगे दैट इज ई एन से, मतलब एक्सपेक्टेड एन मतलब नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं जो सिस्टम में आ रहे हैं। तो गाइस उसका जो फॉर्मूला दैट इज यूटिलाइजेशन रेट डिवाइडेड बाय द एवरेज रेशियो और एवरेज रेट। तो गाइस यूटिलाइजेशन रेट हमारे पास क्या था स्टूडेंट, यहाँ पे जो यूटिलाइजेशन रेट था ये हमारे पास था दैट इज लैम्डा अपॉन म्यू। तो गाइस इसको डिवाइड किसके साथ करेंगे, हम डिवाइड स्टूडेंट्स को हम करेंगे दैट इज आइडल रेट कितना था हमारा 1 माइनस लैम्डा म्यू पे। तो गाइस इसको हम सोल्व करेंगे, इससे हम फॉर्मूला क्या करेंगे ड्राइव करेंगे। तो गाइस इसका जब हम एलसीएम कर लेंगे तो गाइस इसका जो एलसीएम है हमारे पास आ जाएगा लैम्डा म्यू डिवाइडेड बाय गाइस ये हो गया यहां पे एलसीएम आ गया म्यू और ये गाइस म्यू माइनस लैम्डा। तो गाइस इसको हम क्या करेंगे, ये डिवाइड है इसको अगर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना होगा तो गाइस लैम्डा अपॉन म्यू मल्टीप्लाई ये यूटिलाइजेशन रेट था गाइस ये ऊपर चला जाएगा और ये जो म्यू था हमारा ऊपर चला जाएगा और ये जो म्यू माइनस लैम्डा था म्यू माइनस जो लैम्डा था ये हमारा नीचे आएगा गाइस म्यू से म्यू कट जाएगा। तो स्टूडेंट हमारा जो फॉर्मूला बच जाएगा बाकी वो कितना बच जाएगा दैट इज लैम्डा जो लैम्डा था अपॉन ये बच गया अपॉन यू माइनस मतलब म्यू माइनस लैम्डा। तो गाइस ये हमारा जो फॉर्मूला था वो किसका फॉर्मूला था दैट इज एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर इन अ सिस्टम। तो गाइस ये हमारा फॉर्मूला यहां से ड्राइव हो गया एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर इन अ सिस्टम। तो गाइस उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला रहेगा गाइस उसके बाद पहला आइडल हो गया उसके बाद एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर इन अ सिस्टम भी होगा उसके बाद हमारा पैसा आएगा दैट इज एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर इन क्यू और वेटिंग लाइन। तो गाइस ये दोनों सेम ही है एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर इन सिस्टम और एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर इन क्यू, दोनों में डिफरेंस क्या है। जब हम सिस्टम की बात करेंगे तो सिस्टम में सारे ही कस्टमर आ जाएंगे, मतलब वो कस्टमर भी आ जाएगा जो सर्विस अपनी ले रहा है साथ में, मतलब हमारे पास 10 बंदे लगे हैं आगे जो एक बंदा लगा 11 या 11 जो पर्सन लगा था वो सर्विस ले रहा था, हम क्यू में 10 पर्सन को काउंट करेंगे प्लस जो सर्विस ले रहा है उसको भी काउंट करेंगे। तो वो क्या होगा सिस्टम होगा, वो एवरेज किस कस्टमर किसके होंगे सिस्टम के होंगे। अगर बात करें क्यू की तो हम क्या करेंगे वो जो पर्सन सर्विस ले रहा था उसको एक्सक्लूड कर देंगे उसको निकाल देंगे, मतलब जितने पर्सन उस पर्सन के पीछे लगे हैं 10 पर्सन से तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे जो हमारा पहले एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पर्सन इन सिस्टम आया था उससे हम क्या करेंगे मतलब यूटिलाइजेशन रेट, मतलब जो पर्सन यूटिलाइजेशन रेट मतलब जो पर्सन सर्विस ले रहा है उस पर यूटिलाइजेशन रेट अप्लाई मतलब 5 मिनट है 10 मिनट है वो अप्लाई होंगे ना वो लेस कर लेंगे तो हमारा स्टूडेंट हमारे पास क्या बच जाएगा एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर इन क्यू और वेटिंग टाइम, मतलब जो पर्सन सर्विस ले रहा था उसको यहां से एक्सक्लूड कर दिया, मतलब यहां से जो पुराना हमारे पास एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर इन सिस्टम था उसमें से हमने यूटिलाइजेशन रेट को क्या कर दिया डिडक्ट कर दिया स्टूडेंट। तो हमारे पास क्या आ गया एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर इन क्यू और वेटिंग टाइम। तो इसको हम डोनेट कैसे करेंगे एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर साथ में एल लगाया मतलब वेटिंग लाइन में जो कस्टमर्स है उनको कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है दैट इज एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पर्सन सिस्टम माइनस यूटिलाइजेशन रेट। तो उसका जो फॉर्मूला था एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पर्सन जो था गाइस लैम्डा अपॉन म्यू माइनस लैम्डा। तो स्टूडेंट इससे हमसे हम क्या करें यूटिलाइजेशन रेट हमारे पास क्या था यूटिलाइजेशन रेट था गाइस हमारे पास माइनस करेंगे इसमें से वो था ये यूटिलाइजेशन रेट था दैट इज लैम्डा अपॉन म्यू दैट इज लैम्डा अपॉन म्यू। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे हम इसका एलसीएम ले लेंगे यहां पे, जब इसका एलसीएम लेंगे तो गाइस इसका आ जाएगा दैट इज म्यू मल्टीप्लाई बाय म्यू माइनस लैम्डा। तो गाइस ऊपर क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ये होगा म्यू मल्टीप्लाई बाय लैम्डा हो जाए इसका क्या करेंगे इसको ये जो माइनस का साइन डाल के यहां पे लैम्डा मल्टीप्लाई बाय म्यू माइनस लैम्डा। तो गाइस इसको जब सॉल्व करेंगे तो गाइस जो लैम्डा और म्यू मल्टीप्लाई होंगे यहाँ पे नीचे सेम ही रहेगा स्टूडेंट नीचे रहेगा दैट इज म्यू मल्टीप्लाई बाय म्यू माइनस लैम्डा। तो ऊपर ये जो सेम था म्यू इंटू लैम्डा जो था हमारा सेम ही था स्टूडेंट। उसके बाद हम क्या करेंगे ये जो माइनस है लैम्डा और मल्टीप्लाई बाय म्यू ये गाइस माइनस का रहेगा म्यू और लैम्डा
तो भाई उसके बाद ये जो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहां पे क्या होगा, लैम्डा का स्केयर हो जाएगा, लैम्डा मल्टीप्लाई बाय लैम्डा। और गाइस ये प्लस का म्यू लैम्डा था, ये माइनस का म्यू लैम्डा था, ये गाइस यहां से कट गया। तो गाइस हमारे पास जो बच गया वो कितना बच गया, दैट इज लैम्डा स्केयर अपॉन म्यू इंटू म्यू माइनस लैम्डा। तो गाइस ये जो हमारा फॉर्मूला है ये ड्राइव हो गया किसके गाइस, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर इन वेटिंग लाइन, वेटिंग लाइन में जितने कस्टमर थे गाइस ये आ गया हमारा एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर इन वेटिंग लाइन। तो गाइस आप जो फाइनल्स के लिए जो न्यूमेरिकल सॉल्व के लिए फॉर्मूला ड्राइव कर याद रखेंगे तो गाइस वो आप ये वाले फॉर्मूला ही याद रखेंगे, बाकी अगर आपको भूल भी जाता है इस वे से आप क्या कर सकते हैं फॉर्मूला को खुद ड्राइव कर सकते हैं ताकि आपको जो फॉर्मूला है वो अच्छे से याद रहे। तो स्टूडेंट आई थिंक ये जो फॉर्मूला थे ये सारे फॉर्मूला हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। हमने क्या किया अब तक, हमने एवरेज अराइवल रेट निकाला दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लैम्डा, एवरेज सर्विस रेट निकाला दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द म्यू। तो उसके बाद हमने यूटिलाइजेशन रेट भी निकाल लिया, यूटिलाइजेशन रेट भी निकाल लिया। उसके बाद हमने क्या किया, एक्सपेक्टेड आइडल टाइम एक निकाला था, ये फॉर्मूला उधर नहीं लिखा, फिलहाल यहीं पे मैं लिख लेता हूं, दैट इज वन माइनस लैम्डा अपॉन म्यू, मतलब हमारा जो एक्सपेक्टेड जो आइडल टाइम था वो भी निकला था। उसके बाद एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर इन लाइन जो इन ए सिस्टम वो भी निकल गया था, और एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर्स इन वेटिंग लाइन स्टूडेंट वो भी आ गया। तो गाइस अब हम क्या करेंगे, इन फॉर्मूलाज की हेल्प से, इन जो नोटेशंस की हेल्प से जो आगे के फॉर्मूलाज हैं वो ड्राइव करते हैं। गाइस जल्दी से आइए देखते हैं हम अगले नेक्स्ट फॉर्मूलाज। सो स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, हम आगे के जो फॉर्मूलाज थे किन तरीके उसको ड्राइव करते हैं बाई यूजिंग द प्रीवियस जो फॉर्मूलाज थे या नोटेशन। जो अगला फॉर्मूला हमारे पास रहने वाला है वाज एक्सपेक्टेड टाइम स्पेंड बाय कस्टमर इन सिस्टम, मतलब जो कस्टमर है वो सिस्टम पूरे में जितने भी लाइंस में लगे हैं प्लस जो पर्सन सर्विस ले रहा है उसको लगे हैं उन सारे के कितना टाइम स्पेंड कर रहा है एक क्यू में, यहाँ एक सिस्टम चल रहा है। उसका जो फॉर्मूला है डोनेट करेंगे गाइस एक्सपेक्टेड टाइम मतलब टी को टाइम करेंगे टाइम स्पेंड इन द सिस्टम। सो गाइस इसका जो फॉर्मूला दैट इज एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर इन सिस्टम, जो हमारे एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर आए थे सिस्टम में इसको डिवाइड करेंगे स्टूडेंट एवरेज अराइवल रेट के साथ, मतलब जितने भी कस्टमर्स हमारे सिस्टम में आए थे, जितने भी लोग हमारे पास सर्विस लेने आए थे उनको डिवाइड कर देंगे एवरेज रेट, कितने लोग टोटल आ रहे थे हमारे पास, जो टाइम आ जाएगा एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर्स का जो टाइम आ जाएगा टाइम स्पेंड बाय कस्टमर तो हमें आ जाएगा। गाइस उसको कैलकुलेट करने के लिए एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर इन सिस्टम हमने पहले ही कैलकुलेट कर रखे थे गाइस, ये थे ई एन दैट वाज अवर एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर इन अ सिस्टम। तो गाइस इसका जो फॉर्मूला था दैट वाज लैम्डा डिवाइडेड बाय म्यू माइनस लैम्डा। तो गाइस उसके बाद डिवाइड करेंगे इसको किसके साथ स्टूडेंट, एवरेज अराइवल रेट के साथ, एवरेज अराइवल रेट गाइस एवरेज अराइवल रेट था हमारा लैम्डा, मतलब इसको डिवाइड कर देंगे लैम्डा अपॉन वन, मतलब इसके नीचे कुछ था नहीं, वन से डिवाइड कर लेगा इसको हम, ये डिवाइड इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे मल्टीप्लाई में। तो गाइस ये सेम रहेगा लैम्डा अपॉन म्यू माइनस लैम्डा, तो गाइस इसको साइन मल्टीप्लाई कर देगा वन ओवर लैम्डा। तो गाइस लैम्डा से क्या है लैम्डा कट जाएगा तो जो हमारा जो फॉर्मूला डिवेलप होगा दैट इज गाइस वन अपॉन म्यू माइनस लैम्डा। तो गाइस ये जो हमारा फॉर्मूला है किसके लिए है, एक्सपेक्टेड टाइम स्पेंड बाय कस्टमर इन अ सिस्टम, के एक सिस्टम में कस्टमर कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो गाइस ये जो फॉर्मूला था मतलब हमारा आ गया एक्सपेक्टेड टाइम का फॉर्मूला दैट इज वन अपॉन म्यू माइनस लैम्डा। तो स्टूडेंट उसके बाद बात करें जो हमारे पास अगला फॉर्मूला था बस एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम इन क्यू, पहले हमने देखा कि पहले बात करी सिस्टम की, अभी बात करेंगे क्यू की या वेटिंग लाइन। तो गाइस यहां पे हम क्या बात करेंगे इसको जो कैलकुलेट कर देगा मतलब वेटिंग टाइम कितना होगा दैट इज डोनेटेड बाय द एक्सपेक्टेड डब्ल्यू मतलब वेटिंग टाइम। तो गाइस ये हम कैलकुलेट करेंगे बाय द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर इन अ वेटिंग लाइन, जो हमारे एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर थे वेटिंग लाइन और डिवाइड कर देंगे उसको एवरेज अराइवल टाइम। तो गाइस एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर वेटिंग लाइन में ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा था, ये गाइस एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर इन वेटिंग लाइन ई एल, ये हमारा एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर इन वेटिंग लाइन था, इसको डिवाइड करेंगे एवरेज अराइवल टाइम, एवरेज अराइवल टाइम गाइस हमारा ऊपर लैम्डा है। तो गाइस ये कितना था दैट इज लैम्डा स्क्वायर, मतलब जो हमारा एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर इन वेटिंग लाइन था वो था लैम्डा स्क्वायर डिवाइड बाय म्यू मल्टीप्लाई बाय म्यू माइनस लैम्डा। तो गाइस इससे हम क्या करेंगे इसको डिवाइड किसके साथ करेंगे,
एवरेज अराइवल रेट वो कितना था स्टूडेंट, लैम्डा था, मतलब लैम्डा अपॉन वन था। तो सिमिलर स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इसको जो साइन डिवाइड कर सकते हो मल्टीप्लाई करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे, दैट इज लैम्डा का स्क्वायर डिवाइड बाय म्यू इनटू म्यू माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई बाय गाइस दैट इज वन अपॉन लैम्डा। तो गाइस लैम्डा से लैम्डा स्क्वायर कट गया, तो गाइस यहां पे क्या बच गया, ओनली लैम्डा बच गया। तो इसका जो हमारे पास आ जाएगा फॉर्मूला वो कितना आएगा स्टूडेंट, वो आएगा यहां पे लैम्डा बच गया था, लैम्डा अपॉन म्यू मल्टीप्लाई बाय म्यू माइनस लैम्डा। तो गाइस ये हमारे पास टाइम आ गया किसका, एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम इन क्यू। तो गाइस कोई भी अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी पूछेंगे, अगर आपको एवरेज अराइवल रेट पूछेगा लैम्डा से आप कैलकुलेट करोगे, एवरेज सर्विस रेट पूछेंगे म्यू से कैलकुलेट करोगे, यूटिलाइजेशन रेट पूछेंगे गाइस पी से डोनेट करेंगे, और लैम्डा अपॉन म्यू से इसको कैलकुलेट करेंगे। और उसके बाद गाइस उसके बाद अगर पूछेंगे आपको एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर इन अ सिस्टम, तो गाइस वो लैम्डा अपॉन म्यू माइनस लैम्डा आपका आ जाएगा, तो वो भी हमने ड्राइव कर चुके थे। उसके बाद गाइस आपको पूछेंगे अगर एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर इन अ वेटिंग लाइन, तो गाइस उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, उसका जो फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था दैट वाज द लैम्डा स्क्वायर डिवाइड बाय म्यू इनटू म्यू माइनस लैम्डा। तो गाइस उसके बाद अगर आपको पूछते हैं एक्सपेक्टेड टाइम स्पेंड बाय कस्टमर इन अ सिस्टम, तो गाइस वो हमने ड्राइव यहां से किया था, ड्राइव किया था फॉर्मूला, दैट वाज द वन अपॉन म्यू माइनस लैम्डा। और उसके बाद अगर पूछेंगे एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम इन क्यू क्वेश्चन में, तो उसका जो फॉर्मूला हमने ड्राइव किया दैट इज लैम्डा अपॉन म्यू इंटू म्यू माइनस लैम्डा। तो गाइस ये क्या था हमारा फॉर्मूला था, इसको यूज करके हम क्या करेंगे गाइस अपने जो है जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, किसकी गाइस स्ट्रेंथ है उसको सॉल्व करने से, इसके बारे में देखते हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में। गाइस नंबर ऑफ जो प्लेयर्स है, नंबर ऑफ जो हम बोल सकते हैं कस्टमर्स गिवन है, जीरो कस्टमर की क्या प्रोबेबिलिटी है, टू कस्टमर्स की, वन कस्टमर की, एन कस्टमर्स की क्या प्रोबेबिलिटी है, गाइस तो वो हम कैलकुलेट करते हैं, जल्दी से देखते हैं प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट। सो स्टूडेंट अब हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी, गाइस कई बार हमें क्वेश्चन में पूछते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली कस्टमर्स इन वेटिंग लाइन, मतलब एग्जैक्टली कस्टमर एन कस्टमर, एक कस्टमर की पूछ सकते हैं, दो की पूछ सकते हैं, जीरो की पूछ सकते हैं, सो की पूछ सकते हैं, 150 कितने भी कस्टमर्स की प्रोबेबिलिटी वो पूछ सकते हैं कि वेटिंग लाइन में कितने कस्टमर होने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो गाइस शुरू हम करेंगे सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो कस्टमर से, मतलब जब जो कस्टमर की जो लाइन लगी थी, जो क्यू लगी थी, उसमें क्या था कोई भी कस्टमर नहीं होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना था। उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का हमारे पास फॉर्मूला है सिंपली, जैसे हम आइडल टाइम कैलकुलेट करते हैं इज वन माइनस पी, पी मतलब जो यूटिलाइजेशन रेट था हमारा, होगा इस मतलब हमारे पास कोई भी अगर कस्टमर नहीं होगा रो में, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो वन माइनस पी आएगी गाइस। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं दैट इज वन माइनस पी का जो फॉर्मूला था हमारे पास पी वाइज, दैट इज जो था हमारे पास यूटिलाइजेशन रेट था वो कितना था गाइस, दैट इज म्यू अपॉन सॉरी गाइस जो यूटिलाइजेशन रेट था हमारे पास वो कितना था गाइस, लैम्डा अपॉन म्यू था, वो कितना था लैम्डा अपॉन म्यू था। तो गाइस जब भी हम बात करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो कस्टमर वो आ जाएगी वन माइनस लैम्डा अपॉन म्यू, तो गाइस अगर हमसे पूछेंगे कि वो प्रोबेबिलिटी ऑफ वन कस्टमर क्या है, तो स्टूडेंट उसके लिए हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे किसके लिए, वन कस्टमर के लिए प्रोबेबिलिटी वन कस्टमर के लिए कैलकुलेट करेंगे हम क्या करेंगे स्टूडेंट, पहले हम जीरो से ही स्टार्ट करेंगे, मतलब वन से पहले कितने कस्टमर थे, जीरो थे स्टूडेंट, स्टार्ट हम किससे करेंगे जीरो से करेंगे, मतलब स्टार्ट हम करेंगे पी जीरो से, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे पी से, मतलब हमारी बन गई गाइस दैट इज पी जीरो हमारा कितना था गाइस, पी जीरो था वन माइनस लैम्डा अपॉन म्यू, जब प्रोबेबिलिटी 0% की थी गाइस, ये 0% की प्रोबेबिलिटी थी, पी जीरो को मल्टीप्लाई कर दिया पी, अभी p हमारा स्टूडेंट कितना आएगा दैट इज लैम्डा अपॉन म्यू, p की वैल्यू हमारी कितनी थी, p मतलब यूटिलाइजेशन रेट कितना था लैम्डा अपॉन म्यू, तो गाइस ये आ गया हमारी 1% की प्रोबेबिलिटी। तो सिमिलरली गाइस अगर हमें पूछेंगे 2% की प्रोबेबिलिटी, तो गाइस हम क्या करेंगे यहाँ पे 2% की प्रोबेबिलिटी थी, हम क्या करेंगे यहाँ पे पी जीरो ही रहेगा, पी जीरो मल्टीप्लाई बाय पी, दोबारा से मल्टीप्लाई पी करेंगे तो 2% की प्रोबेबिलिटी बोल दिया, मतलब दोबारा से पी कितना आ जाएगा लैम्डा अपॉन U, एक बार दोबारा से इसके साथ क्या हो जाएगा स्टूडेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो गाइस इसी से हम क्या करेंगे अपना फॉर्मूला डेवलप करेंगे टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन कस्टमर, एन कस्टमर मतलब नंबर ऑफ कस्टमर कितने भी हो सकते हैं 10 20 40 50 जितने भी होंगे गाइस, आप क्या करोगे पी जीरो साथ में रहेगा ही रहेगा गाइस, उसके बाद आप क्या करोगे मल्टीप्लाई कर दोगे जो पी की है उसको जितने उन्होंने एन नंबर बोला मतलब 50 बोला तो एन के साथ उसकी पावर दे दोगे, मतलब मल्टीप्लाई उसको पावर 50 की दे दोगे। तो गाइस ये क्या बन जाएगा, मतलब हमारा अगर
एन फिफ्टी एन मतलब उन्होंने 50 कस्टमर्स की प्रोबेबिलिटी मांगी है, तो गाइस हमारा बन जाएगा पी जीरो की वैल्यू थी 1 माइनस लैम्डा अपॉन यू, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम किसके साथ, लैम्डा अपॉन पी की वैल्यू थी लैम्डा अपॉन म्यू की पावर 50। तो गाइस ऐसे हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे एन कस्टमर की। तो गाइस ये फॉर्मूला यूज करके आप प्रोबेबिलिटीज को कैलकुलेट कर देंगे। गाइस शुरू आप जीरो से ही करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो कस्टमर, उसके बाद जितने भी एन नंबर कस्टमर बोला है आप क्या करोगे, पी की वैल्यू यूटिलाइजेशन रेट की वैल्यू उतनी दे दोगे उसको, उतना उसका पावर कर दोगे। गाइस आई होप आप सबको ये जो न्यूमेरिकल से या न्यूमेरिकल से हमने किए गाइस फॉर्मूला से इसको ड्राइव करना अच्छे से आ गया होगा। गाइस आपको जो एंड रिजल्ट देखने हैं, जो फॉर्मूला यूज करने हैं क्वेश्चन में, वो ये वाले फॉर्मूला ही है, आपको ये फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे। अगर याद नहीं होगा तो गाइस इनको ड्राइव करना सीख ले, ताकि आपको लोग इजिली आगे कंसेप्ट में रहे, आपको कभी भूलेगा। सो गाइस आई होप आप सबको आज की वीडियो अच्छे से क्लियर होगी होगी। सो अगली वीडियो में हम क्या करेंगे अपनी, उसमें ये फॉर्मूला को यूज करके क्वीन थ्योरी के न्यूमेरिकल स्टूडेंट्स क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सो गाइस आगे की वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पे आपको आपके सारे सब्जेक्ट के रिलेटेड वीडियोस मिलने वाले हैं। सो गाइस कीप स्टे एट होम, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी गाइस।